जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ाया, हमने बताया था कि वर्ण विच्छेद के बाद ही अगर आप वर्ण विच्छेद सीखे रहेंगे तो संधि आपके लिए काफी आसान रहेगी। तो क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि चाहे कोई छोटे एग्जाम हो या फिर किसी बड़े आईएएस पीसीएस एग्जाम हो या सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हिंदी व्याकरण में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो हम आपको संधि के विषय में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, लेकिन संधियों के भी अपने अलग अलग पार्ट हैं, उसे एक वीडियो में नहीं बताया जाएगा। संधि अलग अलग कर करके एक एक भागों को बताया जाएगा और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो हमारा टॉपिक है संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? पहले तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना, अर्थात दो चीजों, दो वस्तुओं या किसी भी चीज को जोड़ना ही संधि होता है। और हमने उसमें हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि इस राजा का दूसरे राजा के साथ उन्होंने आपस में संधि कर ली। संधि का मतलब ही होता है मिल जाना, मेल जोल बढ़ाना। तो यहाँ संधि दूसरे सेंस में है। आज संधि के हम वर्णों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो संधि की परिभाषा है, संधि की परिभाषा परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, से संधि कहते हैं। परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है वर्णों के मेल को? परीक्षा में आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि संधि किसमें होती है? दो शब्दों में, दो वाक्यों में, दो पदों में या फिर दो वर्णों में? तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है कि दो वर्णों में संधि ना तो पदों में होती है, ना शब्दों में होती है, ना वाक्यों में होती है। पहला संधि की परिभाषा से ही क्वेश्चन बना लिए जाते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। और संधि में जैसे उदाहरण है, जैसे विद्यालय, ये विद्यालय हमने लिखा। अब विद्यालय किन दो शब्दों के मेल से बना है? ठीक, अभी हम संधि इसमें समझेंगे। अभी इसमें से हम पहले मूल शब्दों को अलग करते हैं, जैसे विद्या, यहां से हाँ विद्या प्लस आलय। अब इसमें से संधि में, अब हम संधि को समझते कैसे? देखिए ये हमारा इसका अंतिम, पहले पद का ये पहला हमारा पद है, पद अर्थात शब्द, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है इसमें? आ है। और हमारे दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है इसमें? प्रथम वर्ण इसमें आ है। तो इस आ और इस आ के मेल से क्या बना? आ। तो आप देख रहे हैं कि आ भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है,
इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे ही हम संधि कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आ प्लस आ इक्वल टू आ, मतलब आ और आ के मिलने से आ वर्ण बन गया है। ऐसा ही नहीं कि ये बस ऐसे ही सिंपल बने, ये एक एग्जांपल के तौर पे है। जब आप अलग अलग संधियों को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग रूल्स के अनुसार संधि आएगी। अब हम अन्य भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल में ये दो, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे निर्धन। यहाँ लिखेंगे निह प्लस धन, इसमें क्या है विसर्ग प्लस धन, सॉरी ध, और ये वर्ड ध बन गया। ये जो विसर्ग है ये रेफ रो में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निर्धन का ये वर्ड, ये परिवर्तन ये हुआ। अब इसके हम कुछ भेद देख लेते हैं, संधि के भेद। संधि के भेद संधि के भेद संधि तीन प्रकार की होती है। संधि जो है स्वर, व्यंजन और विसर्ग के अनुसार संधियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की ही होती है। संधियों में जैसे पहला है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें छोटी कक्षाओं में, बच्चों में, क्लास 8 तक के बच्चों में 90% तक तो यही स्वर संधियां ही पूछी जाती हैं। ये आपके हाई क्लास में जब आप उसमें ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, जैसे 9th 10th वगैरह, या फिर किसी अन्य एग्जाम्स में जब आप बैठते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे, ये तीनों संधियां पूछ ली जाती हैं। तो इसमें इन संधियों के भी अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इन सबको एक ही वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है। अच्छा, इन्हें अलग अलग वीडियो में करके बताया जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि में भी उनके अपने अलग अलग भेद हैं। जैसे स्वर में आपको दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, और जो भी यण स्वर संधि है, इन सभी संधियों को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में पढ़ाएंगे, जिससे और उनके एग्जाम्पल्स को भी आपको दिया जाएगा, जिसे आप समझ सकें और एक दूसरे में, क्योंकि ये वर्डों के आधार पे है, अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये किस संधि का एग्जाम्पल था, ये कौन सा वर्ड किस संधि में किस प्रकार से बदल गया। इसलिए इन्हें अलग अलग वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और आपके लिए काफ़ी अगर हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू।